आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना ताजगंज देवरी रोड पचगई खेड़ा स्थित एक मकान में चोरी हो गई। चोरी की वारदात उस समय हुई जब घर में सभी लोग सो रहे थे। ऐसा बताया गया है कि चोर नकदी और जेवरात चोरी कर ले गए हैं। थाना ताजगंज देवरी रोड पचगई खेड़ा में ललित मोहन शर्मा के घर पर चोरी हो गई। ऐसा बताया गया है कि ललित मोहन शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ घर में ही सो रहे थे, उसी दौरान चोरी की वारदात हो गई। चोरों ने घर के हर सामान को खंगाल दिया, अलमारी खंगाली, पलंग खंगाले, बक्से भी खंगाल दिए। ऐसा बताया गया है कि चोर नकदी के साथ ज्वेलरी चोरी करके ले गए हैं। सुबह जब हम उठे तो मैंने देखा चोरी हो गई घर में, फिर मैंने सबको जगाया, भाई ऐसे क्या हो गया। आप लोग कहाँ पर थे? सभी अपने रूम में थे, मैं अपने रूम में था। अच्छा, तो हमने देखा सुबह, देखते ही मैंने जगाया, मैंने भाई ऐसे क्या हो गया, भाई किसने किया है। फिर देखा भाई चोरी हो गई घर में, सामान फैला हुआ था, सारा सामान फैला हुआ था। ऊपर नीचे से माल लेके ऊपर गए हैं। ऊपर कमरे का भी तार तोड़ा? हाँ, उसको तार तोड़ दिया और कुंडी भी काट दी है। आप लोगों को आवाज़ नहीं मिलती? बिल्कुल आवाज़ नहीं थी हमारी, सब सोते रहे। सब सोते रहे सुबह मालूम पड़ी। हम तो सुबह जग के बाहर बैठे थे तो बच्चों ने बताया था कि ताला टूट रहा है, अलमारी खुल रही है, ट्रंक का ताला टूट रहा है। तब भीतर घर में आए तो देखे तो वो सब सामान चोर ले गए। दो अंगूठी ले गए, एक पेंडल ले गए और 27,000 रुपये ले गए और तोड़ियाँ हैं। पहले भी चोरी हो चुकी है? हाँ जी, पहले हो चुकी है, 1.5 साल पहले। अभी क्या करेंगे? तब तो बहुत सामान ले गए थे, करीबन ऐसे ले गए थे 4-5 लाख का सामान ले गए थे। तब उसकी भी नकल रखी हुई है पहले, कोई अभी कार्रवाई ना हुई। बाकी रिपोर्ट हमने कराई, रिपोर्ट का कागज हम पे रखो भाई। ललित मोहन शर्मा कहते हैं 1.5 साल पहले भी चोर चोरी करके ले गए थे। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा कौन सा चोर है जो लगातार ललित मोहन शर्मा के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। थाना ताजगंज पुलिस ने मौका मायना कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों का पता लगा लिया जाएगा। ललित मोहन शर्मा जिस समय परिवार के साथ घर के अंदर सो रहे थे, उसी दौरान चोर छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल होते हैं, सामान तितर बितर करते हैं, नकदी और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। 1.5 साल पहले भी ललित मोहन शर्मा के घर से चोरी हुई थी। चोर करीब 4-5 लाख रुपए का माल चोरी करके ले गए थे। उस दौरान भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया था। लगातार हो रही चोरी से ललित मोहन शर्मा का परिवार सदमे में है। देखना होगा कि थाना ताजगंज पुलिस कब तक चोरों का पता लगा पाती है। बहरहाल लगातार आगरा पुलिस चोरों को पकड़ रही है, लेकिन चोरी की वारदातें नहीं रुक रही हैं। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।